अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम गोदी मीडिया की लाइव बेइज्जती देखेंगे कि किस तरह से बेइज्जती की जाती है वकार साहब के जरिए। जब गोदी मीडिया के एंकर अमीश देवगन ने वकार साहब से सवाल किया तो किस अंदाज से उन्होंने एंकर की बोलती बंद कर दी। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोग गोदी मीडिया के बारे में क्या सोचते हैं। चलिए चलते हैं। कमाल की बात है साहब, मैं तो कुछ कहना चाह रहा था, आपको क्यों बुरा लग रहा है? ये बात तो सब बुरा नहीं लग रहा है, मैं तो कंफर्म कर रही थी सर। ये बात तो सब नहीं, ये बात नहीं, मैंने जानबूझ के बोला था। मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता कौन है। भाई भी हम ही में से एक है, ये अलग बात है। आज ये असीम वकार है तो आज ये इमामे हिंद बोल रहे हैं, ये अलग बात है। मगर इनके परदादा भी राम ही बोलते थे, भगवान श्री राम की जय ही बोलते थे, और मैं उनको अपने भाई की नजर से देखता हूँ। A few moments later, संबित पात्रा की जवाब बात का आपने जवाब नहीं दिया। किस बात का जवाब चाहते हैं? नहीं, संबित पात्रा ने कई सारी बातें बोली। उन्होंने बोला कि आप भी उनके भाई हैं और आप के पूर्वज भी श्री राम को प्रभु ही मानते होंगे। हाँ बिल्कुल, मेरे भाई हैं, इनका नाम था मोहम्मद अली। ये गलती से संबित पात्रा हो गए। मैंने एक बारी भी डिबेट के अंदर हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं करा कि हिंदू वहां नहीं जा सकता। मैंने बोला पत्रकार वहां पर नहीं जा पा रहे, ये कहा मैंने। जा रहे पत्रकार जा रहे हैं, मैक्स से अवार्डी पत्रकार जा रहे हैं, सरकारी पत्रकार नहीं जा रहे। जो सरकारी पत्रकार हैं वो नहीं जा रहे। मतलब आप कहते हैं कि मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको चार शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? ये परेशानी बहुत बड़ी है, उस परेशानी की बात होनी चाहिए। असीम वकार, बीजेपी से संबित पात्रा को बिठाया है, उनको बोलने दीजिए। संबित पात्रा के नौकर नहीं है आप। आप मर्यादित बात करिए, आप मर्यादित बात करिए। कौन किसका नौकर है मुझे नहीं पता। खटपट भाई मैं आ सकता हूँ? खटपट खटपट आप बोलते होंगे और बोल रहे हैं खटपट 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 खटपट। जब नागपुर में अनएक्सप्लोडेड बम की ट्रेनिंग लेने गया तो वहां बताया गया कि जब अणु बम गिरेगा तो अमेरिका अपने 40% आबादी को बचाने के लिए बहुत कॉस्टली सेल्टर्स बना रखा है। हमने प्रश्न पूछा भारत कैसे बचेगा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि आप खाई खोदिए, ऊपर बल्लियां रखिए, पत्ते रखिए और गाय का गोबर 1.5 फीट ऊपर लगा लेयर लगा दीजिए तो आप रेडिएशन से बच जाएंगे। एटॉमिक अटैक से बचना है तो गाय का गोबर तो ये मुझे वैज्ञानिकों ने बताया कि हमने कहा हम कैसे बाहर है, उनका शरीर में मल लीजिए गोबर आप तो आप एटॉमिक रेडिएशन से बच सकते हैं। गाय का गोबर लीप ले तो रेडिएशन से बच सकते हैं। ये वैज्ञानिक सत्य है, ये नासा का रिसर्च है, मैं बता रहा हूँ, आप गूगल पे देख लीजिए। एक बात सर बता दूं, इन्हें बताया गाय का गोबर लपेट लेने से ये होता है, बिछा लेने से ये होता है। सर एक रिसर्च ये नहीं बता पाए थे, इन्हें पढ़ी नहीं वो लाइन, ये भूल गए थे, जल्दी जल्दी आ गए। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग बढ़ता है सर। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा ले तो दिमाग बढ़ता। चिल्लर साथ वाले किल्लर काम करे कांड वाले लाइफ बेड़ा थ्रिलर। वकार साहब, असीम वकार साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं और संयोग की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भाई केजरीवाल ने तो हनुमान चालीसा पढ़ ली, अब ओवैसी भी पढ़ेंगे, तो मतलब आप भी लोग भी हनुमान चालीसा पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं अपना वोट बैंक या बेस बढ़ाने के लिए? बताइए, ओवैसी जी पढ़ेंगे हनुमान चालीसा? सर 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 16 मिनट से सुन रहा था, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया और मैं आपके चैनल पर बैठकर। सर योगी जी ने यह बात कही थी चुनाव में जी कि अरविंद केजरीवाल ने तो पढ़ लिया, अब ओवैसी साहब पढ़ेंगे। सर 2014 के चुनाव से पहले भारत सरकार ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, 15 लाख रुपए हर व्यक्ति को देंगे जो भारत के नागरिक हैं, पेट्रोल 35 रुपए में बेचेंगे,
ये उन्हीं ने कहा था सर, मैं नहीं कह रहा हूँ। कहाँ वादा था सर, उन्होंने कहा था कि जो नमक मिर्ची लगा दिए थोड़ा, खालिक भाई थोड़ी नमक मिर्ची लगा दी आपने, बकाया आसिम भाई, आसिम भाई थोड़ी नमक मिर्ची लगा दी आपने, चलेगा चलेगा, इतना चलेगा, मुझे बोलो ओवैसी जी की पार्टी से इतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं सर, मुझे बोल, अरे मुझे बोलने दीजिए, सर मुझे बोलने दीजिए, सर मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके चैनल पर गुजारिश कर रहा हूँ और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, दीपक चौरसिया जी मेरी बात प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और योगी जी तक पहुँचाइएगा। सर देश तक पहुँच रही है, मैं ट्वीट भी कर दूंगा आपकी बात, असीम बकार जी प्रधानमंत्री को टैग करके ट्वीट भी कर दूंगा, बोलिए आप। सुनिए सर, सुनिए बोलने दीजिए, वो झूठी साची सब। हाँ सुनिए सुनिए, 5 साल में 10 करोड़ नौकरियां हुई, आप दे दीजिए 5 साल में, आप देश की आधी आबादी को 15-15 लाख रुपए दे दीजिए, आप 30 रुपए में पेट्रोल बेच रहे हो, 35 रुपए में बेच दीजिए, आपने 300 सिलेंडर की बात की थी, आप 350 में दे दीजिए, मैं वादा कर रहा हूँ मैं हनुमान चालीसा पढ़ दूंगा। समझ में आया क्या? समझ में आया, मगज में आया। नहीं नहीं, ओवैसी साहब का प्रॉमिस करिए, बता दूंगा आपसे, ओवैसी साहब का प्रॉमिस करिए, ओवैसी साहब पढ़ेंगे नहीं हनुमान चालीसा, योगी जी से कहिएगा आप, आसिम भाई ओवैसी साहब पढ़ेंगे नहीं, अगर आप कह दीजिएगा जाकर कि आसिम बकार ने कहा है। सुनिए सर, आप बोलते बहुत है, रिक्वेस्ट सर आप सुना कीजिए थोड़ा सा, तो अकल बढ़ेगी। अच्छा अगर ये बातें जो मैंने कही है मोदी जी, कुरान पढ़ना पड़े और ये सब देना पड़े, तो मैं समझता हूँ कि योगी जी कुरान पढ़ना पसंद करेंगे